संजीवनी में हम हर रोज किसी न किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक निदान। वही दांतों को सेहत और सुंदरता का आईना माना जाता है, लेकिन जाड़े के मौसम में खान पान के बाद मुंह की साफ सफाई में कोताही बरतना आम बात है और यही कोताही दांतों के लिए बीमारी बनकर आती है। अभी डॉक्टर साहब से सबसे पहले यही जानते हैं कि पायरिया की बीमारी होती क्या है, क्यों लोग इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, आखिरकार क्यों ये बीमारी हमें परेशान करती है और क्या ये वाकई खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब, पायरिया होता क्या है, क्या है ये बीमारी और क्या ये खतरनाक होती है? देखिए, पायरिया जो है दांतों का, जैसे आपने जिक्र किया है, दांतों की एक बीमारी है कि जो हमारे दांत होते हैं उसके इर्द गिर्द जो मसूड़े होते हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाता है, किसी प्रकार का वहाँ पर जो है खराबी आ जाती है, जो दांत की हड्डी है वो गलना शुरू हो जाए, कई प्रकार के जब उसमें वहाँ लक्षण होते हैं, इन्फेक्शन वहाँ हो जाता है, तो उसको पायरिया कहते हैं। क्योंकि मुंह में बदबू आती है, मुंह स्मेल, फाउल स्मेलिंग होती है, पेन भी होता है, पस आता है, खून भी निकलता है, इसको पायरिया कहते हैं। गंभीर हो सकता है, डेफिनेटली कोई भी रोग अगर सही समय पर उसका उपचार ना करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गंभीर हो सकता है, लेकिन ये पायरिया का रोग इतना गंभीर नहीं है, इसका इलाज डेफिनेटली संभव है, आराम से इसका इलाज हो जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र आज आप करेंगे, आपसे हम करेंगे, आप उनको ध्यान से सुनिए, उसका प्रयोग करिए, और कोई कभी भी आपको कोई समस्या रहती है तो हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। इंदौर से दर्शक जो गए हैं, सूरज जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे को सबसे पहले तो एक बड़ी टेंशन सी होने लगती है, मतलब पहले मैं किसी से बात करता हूँ, कोई भी मेरे से सीनियर है या मतलब मैं उससे पहली बार मिला हूँ, और दूसरी बात मैं अपना फ्यूचर को लेकर बड़ी टेंशन में रहता हूँ कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ बीटेक की, तो पता नहीं इंजीनियर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, इसके बारे में सोचता रहता हूँ, मतलब 24 आवर्स में 23 आवर्स तो ऐसे चले जाते हैं सोचने में। देखिए, अगर आप सोचते रहो तो कुछ कर नहीं पाओगे। आपको एक बहुत मैं सिंपल सी चीज बता दूं, ये जो नेगेटिविटी ऑफ माइंड है आपकी, या एक तरह से नर्वसनेस इसको कहें, एंजाइटी कहें, किसी से बात करने में थोड़ा घबराहट होती है, किसी आदमी से आप पहली बार मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको झिझक होती है, तो ये माइंड की कमजोरी है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि मन जो है आपका वो स्ट्रांग नहीं है, आपको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और मन को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं। अगर आप गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा शवासन करें, कुछ समय के लिए अपने मन को किसी चीज पर केंद्रित करें, कोई मंत्र जप करें, कोई आप जो है ओम की ध्वनि करें, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ में सात्विक भोजन आपको खाना चाहिए, ऐसी चीजें जंक वंक ना खाएं, बहुत ज्यादा जो है गंदी चीजें जो आजकल बाजार में मिलती है, जिसको कि प्रोसेस्ड फूड हम बोलते हैं, उसका सेवन ना करें, हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये ज्यादा खाएं। और एक बढ़िया सा नुस्खा भी आपको बताता हूँ, उससे बहुत आपको फर्क पड़ेगा, बादाम अखरोट ये जो है आप पीस करके दूध में उबाल करके इनको खाइए, इससे आराम है। दांतों की आज हम बात कर रहे हैं, दांतों की एक खास बीमारी पायरिया की। भाई, दांतों का दर्द होना ये तो एक आम परेशानी है, आम आदमी जानता है इसके बारे में, लेकिन हम अक्सर इसी दर्द को अनदेखा कर देते हैं और आखिर ये जो दर्द है तमाम तरह की बीमारियों में बदल जाता है। वो कौन कौन सी वजह है जिससे कि इंसान को दांतों से जुड़ी बीमारी पायरिया हो जाती है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब मुंह में दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों हो रहा है, बस दर्द हो रहा है, सोच लिया कि कॉमन सा दर्द है, क्या ये भी एक लक्षण है पायरिया का? देखिए, लक्षण दांत में मसूड़े में कहीं पर भी आपको दर्द हो, सूजन हो, उसमें किसी प्रकार का आपको जो है पस पड़ रहा है, खून निकलता है, कई बार आप जैसे कुछ खा रहे, सेब आपने काटा, उसी में आपको लगा कि कुछ लाल कलर वहाँ लग गया है, ब्रश करने के बाद आपको खून निकल रहा है, ये सब चीजें जो है आपको, और इसकी वजह क्या हो सकती है, वजह जो इसको पहचानना जरूरी है। जैसा कि आपने पूछा कि इसका क्या कारण है, कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको मुख्य रूप से कहते हैं, कभी कभार चोट लगने से, कभी कभार आप दांत के बीच में कुछ साफ कर रहे हैं, खाना वहाँ रुक जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, बहुत ज्यादा जो मिठाई लोग खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, या तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अधिक अल्कोहल का सेवन जो लोग करते हैं, या चाय कॉफी से भी हो जाता है, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीने से भी आपके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, विटामिन सी की कमी हो उसके कारण भी होता है। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि कुछ अन्य मेडिसिन आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं किसी और रोग के लिए, उसके कारण भी आपके मसूड़ों में या दांतों में इस प्रकार के रोग आ जाते हैं। गाजियाबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, रविंद्र जी स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर मुझे ये पता करना था आपसे कि मेरे फादर के पैरों में ना बहुत ज्यादा सूजन आती है अब। अच्छा। जैसे थोड़ा सा चल लेते हैं तो उसके बाद उनको सूजन आ जाती है,
अच्छा, तो ऐसा किस कारण से है कि किस वजह से उनको सूजन ज्यादा आती है? जैसे थोड़ा सा चलने के बाद उनके पैरों में सूजन आ जाती है, फिर वो जैसे पानी से, गर्म पानी से थोड़ा धोते भी हैं या कुछ करते हैं, उससे सेक भी करते हैं, तो उससे भी थोड़ी। अभी उम्र कितनी है उनकी, एज कितनी जी? 51-52 के इतनी है जी। कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है जी? नहीं। अच्छा, देखिए एज तो बहुत ज्यादा नहीं है, ओल्ड एज में कई बार होता है सर्कुलेशन वगैरह कम होने से, कभी कभार सीजनल भी होता है, कई लोगों को गर्मियों में वाटर रिटेंशन हो जाता है, किसी किसी को सर्दियों में सूजन आती है, तो वो भी एक कारण होता है। और अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं अंदर, तो अगर किडनी में कोई खराबी हो उसकी वजह से सूजन पैरों में आती है, लिवर की कोई रोग हो उससे भी पैरों में सूजन, चेहरे पर सूजन आ जाती है, तो कारण तो कई हो सकते हैं। उसके लिए निवेदन मेरा यही है कि थोड़ा सा और विस्तार से अगर परामर्श हो डॉक्टर से तो ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि कई बार जो हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करते हैं तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पुरानी हिस्ट्री क्या है, पहले कोई बीमारी तो नहीं हुई, करंट और क्या क्या लक्षण है उसमें, तो वो हमें एक आइडिया मिलता है, उससे एक अंदाजा मिलता है कि किस तरफ आपका जो रोग जा रहा है या क्या उसका मूल कारण हो सकता है। जहां तक इसको उपचार की बात करें तो अभी मैं यही कहूंगा कि सर्कुलेशन पर हम थोड़ा ध्यान दें, तो गर्म पानी में नमक डाल करके थोड़ा वो पैरों को रखें उसमें, और तेल की मालिश करें ऊपर की तरफ, नीचे से तेल लगाएं और ऊपर की तरफ उसको मसाज करें, इससे काफी फर्क पड़ेगा। खाने में थोड़ा ध्यान करें कि बहुत ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा बादी वाली चीजें ना खाएं, और 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल के रात को सोते समय जरूर पिए, उससे भी काफी रिलीफ उनको मिलेगा। चलिए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार ऐसे में ब्रश ना करना वो कितना कारगर साबित हो सकता है, आपके लिए कितना परेशानी का सबब बन सकता है अगर आप रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पाइराइड की बीमारी का जिक्र किया, आप हमें बता रहे हैं इस बारे में, तो क्या जैसे आपने कहा कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, खान पीन के बाद कई लोग हैं जो ब्रश नहीं करते, रात को सोते वक्त भी नहीं करते, तो कितना वो जरूरी है ब्रश करना? देखिए, बात ब्रश करने की नहीं है, बात है हाइजीन की, साफ सफाई की जी। और जरूरी नहीं है कि ब्रश करने से ही दांत साफ होते हैं। जैसे आपने चाय पी, कुछ मिठाई खाई, उसके तुरंत बाद यदि आप मुंह में कुल्ला करें, पानी से उसको धोएं, दांतों को अच्छी तरह से धोएं, उसके बीच में कुछ रह ना जाए, तो उतना काफी होता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हमें सुबह शाम दातुन या मंजन या ब्रश, टूथब्रश से जो पेस्ट लगा करके हम करते हैं, वो दिन में 2 बार तो जरूर बनता है, तो सुबह जब आप उठते हैं, रात को सोने से पहले, दिन में आप खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से अवश्य साफ करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं आप करते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ बिल्कुल पक्का आपको दांतों के रोग जरूर आएंगे। कुछ समय तक दांत हमारे मजबूत रहते हैं तो वो उसको झेल जाते हैं, लेकिन धीरे 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 अंदर जब सड़न पैदा होती है, तो एक दिन अचानक आपको जब दर्द होगा दांत में और आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, तो डेंटिस्ट आपको दिखाएगा एक्सरे करके कि भैया आपका तो दांत के नीचे सब खाली हुआ पड़ा है, कहाँ बैठे हो आप? तो हमेशा जो है दांत को साफ रखना, मुंह को साफ रखना, ओरल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। खाने के बाद तो धोना चाहिए जरूर मुंह को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है सुबह शाम भी नाक उसको साफ करें। रात को जब हम सोते हैं तब भी हमारे मुंह में कई प्रकार के बैक्टीरियाज वगैरह जो चल रहे हैं, उनको रात को सोने से पहले हमें अच्छी तरह से दांतों को साफ करना चाहिए, फ्लॉस भी करना चाहिए। फ्लॉस जो प्लास्टिक का धागा आता है, उसको दांतों के बीच में आप घुमाते हैं, ताकि दांतों के बीच में मसूड़ों की मालिश भी उससे होती है, और अंदर जो खाना कई बार ब्रश से नहीं निकल पाता, मंजन से, दांतों से नहीं निकल पाता, वो भी बाहर निकल जाता है। हमें से बहुत सारे लोगों की धारणा यही है कि जो ये बीमारी है पायरिया की बीमारी, इसको ठीक नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है, क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद में इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी रोग हो, चाहे वो छोटा सा रोग हो, चाहे वो बहुत बड़ा रोग हो, चाहे भयंकर रोग हो, रोग तो रोग ही होता है। अगर रोग को आप सही समय पर उपचार करेंगे तो डेफिनेटली ठीक होता है, और पायरिया पुराना होने पर भी उपचार उसका होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जरूरत है कि रोग को अच्छी तरह से समझने की, उसके कारण को अच्छी तरह से समझने की, और किस प्रकार से उसका निवारण किया जाएगा। कारण भी समझना है, निवारण भी समझना है, तो रोग ठीक होगा डेफिनेटली। पायरिया तो कोई बहुत भयंकर रोग नहीं, जो बहुत इससे भी कठिन कठिन रोग है वो हमारे पास रोगी आते हैं, आयुर्वेद के शरण में आते हैं। आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि ऐसे रोगों में भी हम उनको काफी लाभ पहुंचाते हैं, और कई लोग तो बिल्कुल पुराने से पुराने रोगों में भी बिल्कुल उनको 100% फायदा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप अप्रोच करते हो, कितनी जिम्मेवारी आप लेते हो अपने रोग की, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप गए डेंटिस्ट के पास, उन्होंने बस कुछ गोली दे दी या कुछ आपको क्रीम दे दी लगाने के लिए, हो गया,
और आप मिठाई भी खा रहे हैं, आप जो है तम्बाकू भी खा रहे हैं, आप पान भी खा रहे हैं और सिगरेट भी नहीं छोड़ रहे आप, तो फिर नहीं होगा ठीक। वो फिर वो चलता रहेगा और धीरे 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 जाकर के वो एक क्रॉनिक अवस्था में रोग आपका चला जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं पायलिया की। डॉक्टर साहब ने हमें सबसे पहले यही बताया कि पायलिया की बीमारी है क्या, किन वजहों से ये बीमारी हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचाने कि हमें ये बीमारी हो चुकी है, क्या है इसके सिम्टम्स, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान कैसे पहचाने कि उसे पायलिया की बीमारी हो चुकी है? देखिए, उसमें मसूड़ों में सूजन आना एक बड़ा कॉमन सा लक्षण है। मसूड़ों में सूजन आपको आएगी, उनमें थोड़ा सा जो पेन भी होगा, दर्द होगा वहाँ पर, थोड़ा कई बार आप ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, खून निकलेगा और पस पड़ जाता है, आगे चल करके पस पड़ जाता है, फिर माउथ स्मेल आपका काफी करता है। इसके अतिरिक्त जो है दांतों में सड़न, पेट भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब आपकी माउथ की हाइजीन अगर खराब है, अगर आपका मुख के अंदर का गंदगी उसको साफ नहीं कर पा रहे आप, तो वो गंदगी अंदर भी जाकर के इन्फेक्शन पैदा करती है। तो लक्षण इसमें मुख्य रूप से इसी प्रकार से ब्लीडिंग आना, मसूड़ों से खून निकलना, दांत से खून निकलना, दांत में दर्द होना, सूजन आना, यही मुख्य लक्षण इसमें होता है। इसी के साथ अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं पायलिया से छुटकारा पाने के अचूक और कारगर नुस्खे। डॉक्टर साहब, क्या है वो खास उपाय आज की संजीवनी में आप हमें बताइए। देखिए, बहुत सिंपल नुस्खे है, इनको आप जरूर प्रयोग करिए, बहुत कारगर है। नींबू आपके पास होता है, आराम से मिल जाता है, नींबू का रस निकाल करके उससे थोड़ा सा आप दांतों में बसूड़ों में मालिश करिए, 4-5 मिनट अच्छी तरह से मालिश करिए, उसके बाद गुनगुने पानी से आप उसको कुल्ला करके साफ करिए। इसी प्रकार से जब आप दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके पश्चात सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिला करके और उससे आप थोड़ा सा मसलें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सरसों के तेल में हल्दी मिला करके एक पेस्ट बनाएं, उससे आप थोड़ा मंजन करें, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ विटामिन और कई चीजों की कमी भी आपके अंदर हो जाती है उसके कारण होता है, तो गाजर और पालक का जूस आप नियमित रूप से पिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। देसी घी में थोड़ा सा कपूर मिला करके पेस्ट बना करके उसको थोड़ा मंजन की तरह से लगाएं, उससे थोड़ा सा मसूड़ों को मसाज करें, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको प्रयोग करके देखिए, और जैसा हमने कहा कि यदि आपको फर्क नहीं पड़ता है इनसे, तो फिर उसका उपचार प्रॉपर कराइए, उसका इलाज कराइए। कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा भयंकर रोग नहीं है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आपको पायलिया की बीमारी हो गई है, ये समस्या है, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, या कि अगर हम बात करें सावधानियों की या परहेज की, तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी सावधानी तो यही है कि आपको तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, चाय, कॉफी, जो सबसे ज्यादा खराब करते हैं दांतों को, इनसे बिल्कुल बिल्कुल 100% इनको त्याग देना आपको। इसके अतिरिक्त ओरल हाइजीन, मुंह की हाइजीन बना करके रखनी आपको, उसको जब भी कुछ खाना वाना खाएं तो मेक श्योर पानी लें, कुल्ला करें, थोड़ा उंगली से जो अच्छी तरह से खाने का कुछ कण अगर अंदर रह गए उनको जरूर साफ कर दें, क्योंकि वो अगर फंसे रहेंगे तो वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है। और इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि नियमित रूप से आप कभी कभार दांतों की जांच भी कराते रहा करो, कभी कभार 6 महीने में, साल में एक बार ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि अगर कोई खराबी अंदर हो रही है तो वो समय रहते आपको पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ बिना वक्त गवाए चलिए बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिससे अब डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं शरीफा की ढेर सारी शानदार खूबियाँ। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है शरीफा की ढेर सारी खूबियाँ। डॉक्टर साहब, शरीफा की हम बात करें, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे इस फल के बारे में या फिर इसका इस्तेमाल करते होंगे, आप हमें बताएं। क्योंकि काफी लिमिटेड मिलता है, हम हर समय मिलता भी नहीं है, और बहुत कम लोग शायद इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन अच्छा होता है, टेस्टी होता है, मीठा होता है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन काफी है। तो जो लोग थोड़े से ताकत चाहते हैं, कमजोरी फील करते हैं, बल शरीर में वृद्धि उनको चाहिए, वो शरीफा खाएं। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखता है शरीफा, अगर आपका ब्लड प्रेशर के आप रोगी हैं तो शरीफा खाएं, वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और कहीं पर भी आपको जख्म है, घाव है, फोड़े फुंसी है, तो शरीफे के पत्ते भी प्रयोग में आते हैं। शरीफे के पत्तों का आप जो है पेस्ट बना करके वहां पर लगाएं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। शरीर में कहीं आपको जलन हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी आपको लगती है, हीट बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो शरीफे का शरबत बना करके पिया जाता है, उसका पल्प निकाल करके उसको थोड़ा सा पानी में घोल के शरबत बना के उसका पिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो उसके बीज निकलते हैं उनको फेंकिए मत,
बीज का पेस्ट बना करके, बकरी का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल दूध में उसका पेस्ट बना करके और बालों पर लेप लगाइए, ये बालों की जड़ों में थोड़ा सा उसको मसाज करिए तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है।